दुनिया के वन ऑफ द टॉप एनिमीज में से एक हंटर एक्स हंटर एक टाइम पे अपने पीक पे था, लेकिन फिर एक दिन अचानक 2014 में 148 एपिसोड्स के बाद ये बंद हो गया। और तभी से लेकर हमेशा से इसके फैंस इसको वापस लाने में या फिर इसके बारे में कोई भी एक सिंगल अपडेट सुनने के लिए रेडी बैठे थे। और फाइनली उनके इस इतने लंबे वेट के बाद 2022 के अंदर जाकर ये न्यूज आई कि हंटर एक्स हंटर फाइनली एक नए सीजन के साथ वापस आ रहा है। और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ढंग से ये सारी बातें बताऊंगा कि हंटर एक्स हंटर एग्जैक्टली बंद क्या हुआ था, इसके वापस आने की एग्जैक्ट डेट कौन सी है, इसकी ओवरऑल स्टोरी कैसी है और क्या आपको इसे देखना चाहिए या फिर नहीं। सो हियर वी गो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 148 एपिसोड्स के बाद 2014 के अंदर हंटर एक्स हंटर बंद हो गया था। अब इसके पीछे के रीजंस के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार को ट्विटर के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर अब आप जो ये वाली प्रोफाइल देख रहे हो ना, ये प्रोफाइल है योशिहिरो टोगाशी की, जो कि एक सोल क्रिएटर है हंटर एक्स हंटर के। अब याद है ना कि मैंने ये कहा था कि हंटर एक्स हंटर 2014 में बंद हो गया था और अभी चल रहा है 2022, तो पूरे लगभग 9 सालों का गैप है। आप लोग इस बात को बड़े अच्छे से जानते हो कि इतने लंबे टाइम के अंदर कितने सारे नए एनिमे आए, कितने बड़े बड़े एनिमे एंड हुए, कितने सारे बड़े एनिमे फिर से रिबॉर्न हुए और कितने सारे नए एनिमे प्लेयर्स मार्केट के अंदर उतरे। तो अब इन सब बातों से मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 सालों के अंदर इतना सब कुछ हो गया कि लोगों को अभी तक तो हंटर एक्स हंटर को भूल जाना चाहिए था, है ना। वेल, अब अगर ये कोई नॉर्मल सा एनिमे होता तो शायद अभी तक ये धूल बन जाता, लेकिन इसकी जो ओवरऑल स्टोरी, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, इसका पावर सिस्टम और उसके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा बढ़िया थे ना कि 9 सालों का गैप भी इसके फैंडम को खत्म नहीं कर पाया। और जब फाइनली 2022 के अंदर हंटर एक्स हंटर के क्रिएटर योशिहिरो टोगाशी ट्विटर के ऊपर आए और उन्होंने वहां पर आकर को अनाउंस किया, तो आप इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन सिर्फ 72 आवर्स के अंदर ही उनका ट्विटर अकाउंट ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स पे चला गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोड मांगा आर्टिस्ट बन गए, लेकिन इसके साथ ही उनकी इस फास्ट रीच ने इस बात को भी साबित कर दिया कि हंटर एक्स हंटर का फैंडम अभी भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। और यार, हिडन कैलिबर चैनल के ऊपर आपका सपोर्ट भी कुछ कम स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां पर आपको एनिमे से लेकर वर्ल्ड वाइड एनिमेशन तक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। हम लोग यार 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपसे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं है। लेकिन अब शायद कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार, जब ये इतना ही बढ़िया एनिमे था तो फिर ये बंद क्यों हो गया। तो यार, अब इससे पहले कि मैं आपको इसके ऊपर कोई भी जवाब दूं, आई एम 100% श्योर कि आपके दिमाग में हजारों पॉसिबिलिटीज चल रही होंगी कि भाई स्टूडियो ने बंद कर दिया होगा, प्रोड्यूसर ने पैसे देने से मना कर दिया होगा, या फिर राइटर और कंपनी के बीच में कोई लड़ाई हो गई होगी। इंटरनेट के ऊपर इससे पहले इस चीज के अराउंड काफी सारी क्रेजी पॉसिबिलिटीज घूम रही थी, लेकिन पता है इस पूरी सिनेरियो के अराउंड जो सच है ना, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और सच मेरे दोस्त ये है कि इस अमेजिंग एनिमे के जो राइटर है ना, वो एक काफी लंबे टाइम के लिए हाइटस पर चले गए थे। सही बात है यार, कई सारे लोग इस एक वर्ड को सुनकर अब तक सोच में पड़ चुके होंगे, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार इस शब्द को सुना था तो मुझे भी यही लगा था कि यार ये क्या सीन है। तो चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि हाइटस का मतलब होता क्या है। इसको आप ऐसे समझो कि ये कोई एक इस तरीके की स्टेट, यानी कि एक स्थिति है जिसके अंदर कोई भी ब्रॉडकास्ट या फिर किसी भी एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को रोक दिया जाए। अब दूसरे किसी केसेस के अंदर रोकने का ये डिसीजन कैसे भी लिया जा सकता है, लेकिन हंटर एक्स हंटर के राइटर योशिहिरो टोगाशी के केस में मैंने कहीं पर ये पढ़ा था कि इन्हें कुछ हेल्थ की कंडीशंस की प्रॉब्लम थी, और इनके पर्सनल लाइफ के अलावा क्योंकि हंटर हंटर की डिमांड इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी कि मतलब लोग इसके नए एडिशंस के लिए लिटरली पागल हुए जा रहे थे, तो भाई साहब ऐसे में मांगा कंपनीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया था। एंड फिर एज यूजुअल मांगा कंपनी ने वो सारा का सारा प्रेशर इस एनिमे के मांगाका योशिहिरो टोगाशी के ऊपर डाल दिया, और अपनी लाइफ के ऊपर अपनी हेल्थ कंडीशंस के साथ साथ इतने सारे को ना झेल पाने की वजह से, या फिर अगर हम दूसरे तरीके से ऐसे बोलें कि अपने हेल्थ कंडीशंस के साथ इतने सारे काम के ऊपर फोकस ना कर पाने की वजह से, योशिहिरो टोगाशी ने फाइनली हंटर एक्स हंटर को बनाने से ब्रेक ले लिया। और अब जब ये एनिमे वापस आने वाला है तो मैं आपको कैसे बताऊं यार, जिसने भी इसके वो 148 एपिसोड्स देखे हैं ना, तो वो लोग इस बात को जानते हैं कि मैं और बाकी के सारे हंटर एक्स हंटर के फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। सिंपल सा एक रीजन है बस। पिछला वाला जो हंटर एक्स हंटर था, या फिर ऐसे बोले कि हंटर एक्स हंटर का जो पहला सीजन था, उसके अंदर शुरू से एंड तक बहुत कुछ हो गया था। शुरुआत में बच्चों के बचकाने खेल से लेकर डार्क से भी डार्क स्टोरी के साथ ऐसा लग रहा था कि हंटर हंटर देख लिया तो मतलब सब कुछ देख लिया। लेकिन फिर इन सब चीजों के बाद जब इसकी स्टोरी पॉइंट के ऊपर खत्म हुई, वहां पे इन्होंने ये चीज दिखाई कि अभी तक तो बस ट्रेलर ही चल रहा था, असली स्टोरी तो अब चालू होगी। तो आप सोच लीजिए, अब जब ऐसे पॉइंट के ऊपर आकर कोई एनिमे खत्म होगा और उसके बाद जब ये न्यूज मिलेगी कि भाई अब ये दोबारा से कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो फिर यार ऐसे में सारे के सारे फैंस हिलेंगे नहीं तो और क्या होंगे। अब मुझे अभी तक किसी भी सोर्स के ऊपर कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं मिली, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना जरूर पता है कि हंटर एक्स हंटर की ये रिटर्न एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बनेगी।
तो अब सिंपल और साफ सीधी बात, इस नए वाले हंटर एक्स हंटर से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप में से इस वक्त कई सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि ठीक है यार, पुराना वाला काफी बढ़िया होगा, लेकिन यार अब इस नए वाले के बारे में भी तो कुछ बताओ। तो देखो यार, अभी तक इंटरनेट के ऊपर जितने भी अपडेट्स आए हैं उन सबसे इतना तो जरूर साबित हो गया है कि वापस तो ये पक्का आएगा। लेकिन अब इन सब चीजों के बीच में इसका नया वाला एनिमेशन कैसा होगा, इसके अंदर कौन से नए नए कैरेक्टर्स आएंगे, कौन सी इसके अंदर नई नई पावर्स होंगी, ये सारी चीजें अभी तक ज्यादा कुछ पक्की नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ यार, पुराने वाले हंटर एक्स हंटर फैंस को ये बात जरूर याद होगी कि जहां पर ये स्टोरी एंड हुई थी वहां से आगे अब शुरू होगा डार्क कॉन्टिनेंट। है ना कितना कूल नाम, डार्क कॉन्टिनेंट। जिन्होंने भी अभी तक के पुराने वाले हंटर एक्स हंटर को देखा है उन सबको पता है कि डार्क कॉन्टिनेंट से क्या और कौन आया था और उसने इस स्टोरी के अंदर क्या किया था। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि पुराने वाले इसके व्यूअर्स जो भी हैं वो तो इसको लेकर ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड पहले से होंगे, लेकिन नए वाले व्यूअर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि हंटर एक्स हंटर इस दुनिया के वन ऑफ द टॉप एनिमेस के अंदर से एक है। और ये बात सिर्फ मेरे अपने खुद के ओपिनियंस नहीं है बल्कि इंटरनेट के ऊपर और एनिमे की रेटिंग्स वाली लिस्ट के ऊपर हंटर एक्स हंटर का नाम बड़े ही टॉप के प्लेयर्स में लिया जाता है। भले ही अभी तक हमें इसकी स्टोरी के बारे में या फिर इसके कोई भी नए कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि आने वाला ये नया सीजन क्वालिटी एंड स्टोरी के मामले में बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल का होगा। और हंटर एक्स हंटर की उस तगड़े लेवल की स्टोरी पे बात करने से पहले, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस हिडन कैलिबर के सबसे पहले स्पॉन्सर्स कुकू एफएम। कुकू एफएम एक इंडियन मेड ऑडियो लर्निंग ऐप है जिसके अंदर आप 1000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स और एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में फिक्शनल ऑडियो बुक्स को कहीं भी और किसी भी जगह पर बैठकर हाई क्वालिटी वॉइस नरेशन के साथ सुन सकते हो। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 4.5 प्लस की रेटिंग और इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के ऑप्शन कुकू एफएम को एक टॉप ऑडियो लर्निंग ऐप बनाते हैं। एंड मैंने खुद भी इसके ऊपर एक Who Moved My Cheese नाम की एक बुक समरी को सुना जिसके अंदर दो चूहे और दो इंसानों की एक कहानी है जो कि आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से लाइफ के एडवेंचर्स एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करने के पर्सपेक्टिव देते हैं। एंड थैंक्स टू कुकू एफएम, हिडन कैलिबर के पहले 250 व्यूअर्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे जाकर मेरा स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, उनके लिए कुकू एफएम के पूरे साल का सब्सक्रिप्शन प्राइस 399 से 50% घटकर सिर्फ और सिर्फ 199 पर ईयर का हो जाएगा। तो वेट किस बात का यार, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसकी अनलिमिटेड ऑडियो बुक्स की नॉलेज को एंजॉय कीजिए। और अब अगर बात करें हंटर एक्स हंटर की स्टोरी की, तो मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज आर्ट है। एंड क्योंकि आर्ट का तो बेस ही यूनिकनेस के ऊपर बना हुआ होता है, तो मेरा तो यहाँ पर ये मानना है कि चाहे यार जापानीज एनिमे हो या फिर दुनिया की कोई भी मूवी, एनिमेशन, वीडियो गेम, सॉन्ग, पेंटिंग, बुक या फिर कोई भी ऐसी दूसरी चीज जो कि किसी भी तरीके से आर्ट से रिलेटेड है, उनके बीच में किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं इस चैनल के ऊपर हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ यार कि सारी की सारी आर्ट को देखो ना, क्या दिक्कत आ रही है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज सही में एक क्वालिटी आर्ट है तो बिल्कुल उसको देखो और उसके बारे में बिल्कुल बात करो, क्योंकि मेरे ख्याल में तो लड़ने से ज्यादा बढ़िया मजा तो यूनिटी के अंदर आता है ना। एंड इसीलिए अगर आप ये सोचो कि मैं हंटर एक्स हंटर को प्रमोट करके किसी भी दूसरे एनिमे को डाउन बता रहा हूँ, तो यार देखो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सारे एनिमे अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तो सबको देखो और मौज मारो। और रही बात हंटर एक्स हंटर की, तो नए वाले सीजन का वेट तो यार देखो हम सभी लोगों को है, लेकिन उसका ये नहीं पता कि ये कब तक आएगा। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नए वाले सीजन के आने में जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं उसके अंदर अगर आपने पुराने वाले हंटर एक्स हंटर का जिसके अंदर वो 148 एपिसोड्स थे उनको अभी तक नहीं देखा है ना, तो यार मुझे अपना दोष समझ के एक बार उसको देखने के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एनिमे बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पूरी स्टोरी के वर्ल्ड बिल्डिंग से लेकर इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट तक और सबसे ज्यादा बढ़िया चीज पावर सिस्टम क्रिएशन एंड इसके अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट के मामले में हंटर एक्स हंटर एक बहुत ही बड़ा टैंक है। नाउ नो स्पॉयलर्स फॉर द स्टोरी, लेकिन इसके बारे में मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि जब आप इसके वो 148 एपिसोड्स को देखोगे तो शुरू के एपिसोड्स में आपको एक सिंपल से हंसते खेलते एनिमे की फील आएगी, लेकिन जब तक आप इसके एंड तक पहुंचोगे ना तब तक इसकी स्टोरी में इतने ज्यादा बदलाव आ गए होंगे कि जिन कैरेक्टर्स को आपने शुरू में एज अ किड देखा था अब आप उन्हीं सारे सेम कैरेक्टर्स को एक मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करोगे। क्योंकि स्टोरी के अंदर अगर देखा जाए तो उम्र से तो वो अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन फिर वहीं पे दूसरी साइड में उनके पावर लेवल्स, मोटिवेशंस एंड कैरेक्टर का डेवलपमेंट इतना ज्यादा चेंज हो चुका होगा कि आपको एज अ व्यूअर उन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड यार फिर से एक बार कोई बड़ा स्पॉइलर दिए बिना इतना जरूर बता दूं कि स्टोरी के अंदर जब आप इसके एंड तक पहुंचोगे ना तो उस टाइम पे इसके अंदर एक किंग आएगा। अब ये नहीं बताऊंगा कि वो किंग कहां का है, लेकिन इतना जरूर जान लो कि ये किंग आएगा और उसकी फाइट एक बंदे से होगी, और जब आप उस फाइट को देखोगे ना तो आप उस फाइट के लेवल को इजीली गोकू वर्सेस जिरेन, नारुतो वर्सेस पेन, लूफी वर्सेस कातागुरी या फिर इवन एरन येगर के लेवल पे डाल दोगे, क्योंकि उन दोनों की वो जो फाइट होगी वो सिर्फ एक फाइट से बढ़के क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी के लेवल की होगी। और मैं
आपको ये भी बताता हूँ कि ये वीडियो एज अ प्रूफ रहेगी कि जब आप हंटर एक्स हंटर की उस फाइट को देख लोगे ना, तो आप कम से कम एक हफ्ते तक यूट्यूब के ऊपर उसको रिवॉच करोगे, क्योंकि फाइट से लेकर म्यूजिक तक एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन से लेकर स्टोरी तक हंटर एक्स हंटर का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो फाइनली इसके ऊपर आपके अपने ओपिनियंस को बताने के लिए और नए वाले हंटर एक्स हंटर को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो ये बातें बताने के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर कुकू एफएम ऐप को चेकआउट जरूर करना। और इसके साथ ही इस वाली वीडियो को भी जरूर देखना जिसके अंदर मैंने डीसी कॉमिक्स के एनिमेटेड यूनिवर्स के ऊपर डिटेल में बात की है। तो चलो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी।